ये किचन के एंट्रेंस में हम लोगों ने वुडन कवर में आर्च क्लाइडिंग बनाया है। उसके बाद में जो किचन हम लोगों ने बनाया वो सी ड्रीम लामिनेट है, जो कि मेट फिनिश लामिनेट जैसे है, SMT फिनिश जीरो मेट। तो उसमें नीचे देख रहे हैं तो कंटेनर में हमने स्टोरेज बनाया है, और जो काउंटर टॉप है वो हम लोगों ने क्वार्ट्ज में बनाया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर स्टोरेज है दो, ये कॉर्नर स्टोरेज, ये वापिस स्टोव के लेफ्ट साइड में एक सेपरेट स्टोरेज हो गया, एक बोतल पुल आउट है। यहाँ पे देख रहे हैं तो तीन डंडम है, उसके बाद में दो बड़े डंडम है। तो जो हमने हैंडल का प्रोविजन रखा है, जो हैंडल लेस, वो ब्लैक मेट कलर का गोला प्रोफाइल हम लोगों ने यूज किया है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक कलर है। तो ये अपना कटलेरी हो गया, और ये छोटे कप्स या कटोरी वगैरह रखने के लिए डंडम हो गया। उसके बाद में ये बड़े आइटम या थाली या प्लेट्स वगैरह रखने के लिए हो गया। उसके बाद में दो बड़े डंडम है इधर, इसमें कढ़ाई कुकर या कुछ भी रखने के लिए दो बड़े डंडम। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वापिस एक सिंगल सेटर स्टोरेज हो गया। अब आता है इस कॉर्नर का जगह। तो कॉर्नर में क्या है कि हम लोगों ने ये जो सिंक लगाया है, ये डबल सिंक जिसको बोलते हैं, डबल सिंक है ये भी क्वार्ट्ज का ही है। तो ये स्टोरेज हो गया, इसके अंदर जो आरओ आता है वो नीचे ही हम लोगों ने फिक्स किया है, और उसका टैप है वो ये है। तो ये आरओ का सेटअप है इसमें, और ये शटर को ओपन करके इस हिसाब से यहाँ पे कॉर्नर में इस हिसाब से जो बिलो यूनिट है उसका सेटअप किया है। ऊपर में जो काउंटर टॉप लगाया है वो पूरा का पूरा क्वार्ट्ज का कलरिंग देख सकते हो। पीछे में जो डेरो टाइल लगाया है वो मोरकन टाइल जैसा मोरकन टाइल लगा हुआ है। तो जो स्टोव देख रहे हो, एलिका का कंपनी का स्टोव हम लोग को यूज की। चिमनी के लेफ्ट राइट में दो शटर बनाए हैं, जो प्रोफाइल शटर है वो शटर को हैंडल लगाया हो, एज प्रोफाइल हैंडल है। जो प्रोफाइल हम लोगों ने यूज किया इसमें वो ब्लैक प्रोफाइल विद ब्लैक फ्लूटेड ग्लास के साथ में हम लोगों ने शटर बनाया है, देख सकते हो। तो कभी भी हम शटर बनाते हैं तो शटर का ओपनिंग लेफ्ट का लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट का राइट साइड होना चाहिए, इस हिसाब से। तो ये चिमनी के लेफ्ट राइट साइड का सेटअप हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वापिस एक सिंगल स्टोरेज हो गया, ये वाला कॉर्नर स्टोरेज है। इसको हम लोगों ने 165 डिग्री ओपनिंग एजेस लगाया, तो ये स्टोरेज हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दो हाइड्रोलिक सेटर और एक सिंगल, दो सिंगल सिंगल सेटर सेटर का सेटअप किया। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक सेटर हम लोगों ने बनाया है, और ये भी एक हाइड्रोलिक सेटर है। तो इस हिसाब से ये हाइड्रोलिक है, वो भी सॉफ्ट क्लोज है, और ये वापिस एक सिंगल शटर स्टोरेज। कॉर्नर में देख रहे हैं तो दो स्मॉल स्मॉल लेज लगाए हैं, कुछ भी छोटा आइटम रखने के लिए। तो इस हिसाब से किचन का मिडिल बॉक्स हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं तो एक स्पाइस रैक भी हम लोगों ने बनाया है, वुडन कलर लामिनेट लगाए। ये वापिस शटर स्टोरेज हो गया, और ये भी एक सिंगल शटर स्टोरेज। यहाँ पे देख रहे हैं तो कंटिन्यू जो लॉफ्ट है वो पूरा पूरा हैंडल लेस आप देख सकते हो, इस हिसाब से कंटिन्यू हैंडल लेस लॉफ्ट स्टोरेज का सेटअप किया। तो ये अपना किचन का जो सामने का व्यू है वो इस हिसाब से सेटअप किया है। अभी इधर देख रहे हैं तो हम लोगों ने जो फ्रिज रखा है, फ्रिज के बाजू में एक टॉल यूनिट बनाया है। टॉल यूनिट में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे दो विकर बास्केट लिए हैं ऑनियन पोटैटो वगैरह रखने के लिए या कुछ भी वेजिटेबल्स। उसके बाद में एक ड्रायर बनाया है, और ये अपना ओवन के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, और एक सिंगल सेंटर स्टोरेज हो गया। तो ये टॉल यूनिट का सेटअप है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये ऑफिस यूटिलिटी का सेटअप है, जिसमें कुछ भी आइटम रखने के लिए सरफ सोप कुछ भी लिक्विड। तो इस हिसाब से
हमारा किचन का सेटअप हो गया। तो ये किचन का जो हम लोगों ने लैमिनेट यूज किया है वो फैंटम्स कंपनी का लैमिनेट है और सी ड्रीम लैमिनेट का नाम है, जो वो सी ड्रीम लैमिनेट लगा है और जीरो मेट जेड एंड फिनिश लगा है। और इस जो किचन का पूरा जो क्वार्ज स्टोव चिमनी और पूरा किचन का जो सेटअप है वो हम लोगों ने जो बनाया है उसमें 3,25,000 इस किचन का कॉस्ट हुआ है। तो इस हिसाब से ये किचन का सेटअप हो गया। और सीलिंग में जो लाइट लगाया है वो सरफेस लाइट है, 22 वाट का सीलिंग सरफेस लाइट लगाया है। तो इस हिसाब से ये किचन का सेटअप।